हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं श्रीकांत मूवी के 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द अपेस के 7 दिनों के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 3 से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 3 क्या बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रीकांत मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये एक बायोपिक ड्रामा मूवी है जिसमें हमें मुख्य भूमिका में राजकुमार राव नजर आ रहे। अब बात करें इस मूवी के बजट की, तो ये मूवी मात्र 20 करोड़ के बजट में बनी है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यू मिले हैं। अब बात करें श्रीकांत मूवी के 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने अपने पहले दिन 2,41,00,000 का कलेक्शन किया और दूसरे दिन 4,40,00,000 का कलेक्शन किया। तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन 5,25,00,000 का कलेक्शन किया, तो अपने चौथे दिन 1,70,00,000 का कलेक्शन किया, और पांचवें दिन 1,70,00,000 का कलेक्शन किया। अपने छठे दिन इस मूवी ने 1,60,00,000 का कलेक्शन किया, और आज सातवें दिन की बात करें तो अपने सातवें दिन ये मूवी 1,50,00,000 का कलेक्शन कर रही है। अब बात करें टोटल 7 दिनों के इंडियन नेट कलेक्शन की, तो अपने सातवें दिन ये मूवी इंडियन नेट कलेक्शन 18,56,00,000 का कर रही है। अब बात करें 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो ये मूवी 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 21 करोड़ का कर रही है। वैसे आपको बता दें दोस्तों, श्रीकांत मूवी मात्र 20 करोड़ के बजट में बनाई गई है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। आगे चलकर ये मूवी हिट साबित होगी। अब बात की जाए दोस्तों हॉलीवुड की मूवी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द अपेस के 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस हफ्ते रिलीज हुई मूवी में से ये दूसरी बड़ी मूवी है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब बात करें इस मूवी के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 3,80,00,000 का किया, और दूसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 4,50,00,000 का किया, तीसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 5,10,00,000 का कलेक्शन किया, और अपने चौथे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ का किया, और अब पाँचवें दिन की बात करें तो पाँचवें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 2,10,00,000 का किया, और बात करें कल छठे दिन इस मूवी ने ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 1,80,00,000 का किया। बात करें आज सातवें दिन, तो आज सातवें दिन ये मूवी 1,40,00,000 का कलेक्शन कर रही है। अब बात करें इस मूवी के 7 दिनों के टोटल इंडियन नेट कलेक्शन की, तो इस मूवी ने 7 दिनों में इंडियन नेट कलेक्शन 20,70,00,000 का किया। अब बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में इस मूवी ने 150 मिलियन के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। बात की जाए मूवी भूलभुलैया 3 की, तो जो इस साल दिवाली पर रिलीज की जाएगी, इस मूवी में हमें मुख्य भूमिका में हमें कार्तिक आर्यन नजर आने वाले हैं। इस मूवी से जुड़ी कई बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। इस मूवी का जो शूटिंग शेड्यूल है वो जुलाई तक खत्म होने वाला है। इस मूवी का जो प्रमोशन है वो हमें अगस्त तक देखने को मिलेगा। इस मूवी में अच्छी कॉमेडी के साथ हैवी वीएफएक्स भी देखने को मिलेगा, और कॉमेडी के साथ साथ हॉरर तड़का भी देखने को मिलेगा। इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ साथ तृप्ति डिम्मर, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, राजपाल यादव और संजय मिश्रा भी नजर आने वाले हैं, जो इस साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है। सबसे महंगी मूवी में से एक होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।